हमने इसको सोल्व कर लिया। अब ये सोल्व किया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, माइनस 3a प्लस 7c और माइनस 3b प्लस 7b। ये आ गया हमारा 17 माइनस 1, 47 माइनस 30। अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप। कंपेयर किया तो देखो 2a प्लस 5c इक्वल टू 17 आ गया, मतलब माइनस 17 इक्वल टू 0। और दूसरा आ गया माइनस 3a प्लस 7c माइनस 47 इक्वल टू 0। सर लिया तो मैंने भी ये था, पता नहीं क्यों आंसर ही नहीं आया। अब इसको वैल्यू आपने ये कर ली a अपॉन माइनस c अपॉन 1 अपॉन, आप इससे निकालोगे तो आपके लिए डायरेक्ट आएगा, वैसे निकालोगे तो लेंथी पड़ेगा आपके लिए। ए अपॉन हो गया माइनस 47 इंटू 5 कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 235 और माइनस और माइनस प्लस 119। ई अपॉन माइनस 94 प्लस माइनस 51 और 1 अपॉन हो गया 14 प्लस 15। तो ए अपॉन माइनस 235 में से 119 माइनस करना बेटा, माइनस 108 माइनस 108। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस हो गया 145 हो गया। तो ए का वैल्यू आ गया माइनस 29 6 आएगा बेटा, ये क्या करिए तू आना। यस सर, मैंने वहां पे 7 लिख दिया वो। और माइनस 116 आएगा, 108 नहीं आएगा, 116 आएगा। तो ए का वैल्यू माइनस 4 आ गया और सी का वैल्यू 5 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? दूसरा फिर आपने सोल्व किया 2b प्लस 5d प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर दूसरा माइनस 3b प्लस 7d प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b अपॉन माइनस d अपॉन 1 अपॉन, तो b अपॉन आ गया 65 माइनस 7, 26 प्लस 3 और 14 प्लस 15। तो b का वैल्यू 58, d का वैल्यू माइनस 29, 1 अपॉन 29। तो b का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया माइनस 1। बस इसको रख दीजिए यहाँ पर, ये आपका b मैट्रिक्स आ गया। ये तो पहला मेथड है। यस सर, थोड़ा सा टिल्ट कर दो, इसमें कोई डाउट? नो सर। क्या दिक्कत आई थी आना इसमें? सर मैं तो वो ए इनवर्स वाले से करने लग गई, तो फिर मेरे को तो ए इनवर्स वाले से बता रहा हूं ना, मैं अभी बता रहा हूं ए इनवर्स वाले से भी मैंने इससे किया, फिर भी आंसर नहीं आया था, पता नहीं क्या करूं। आपके इक्वेशन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है, मुझे क्या करूं? क्या पता इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है। इसको ए मान लिया भाई, क्योंकि दोनों सब 2 इंटू 2 का है, इसलिए हम उसको इनवर्स वाले से बात कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो हम उसको इनवर्स वाले से कर सकते हैं, सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं, ध्यान से समझिए। सब यूज करते हैं इनवर्स वाला मेथड, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है और सारे एक ही ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। तो ए बी सी, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स सी, क्योंकि ए आगे है तो ए इनवर्स आगे आएगा। तो ए इनवर्स निकाल रहा हूँ भाई, ये ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए निकाल रहा हूँ मैं, 14 माइनस माइनस प्लस 15, डिटरमिनेंट आ गया 29। एडजॉइंट ए आ गया हमारा, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर ए इनवर्स आ गया आपका 1 अपॉन 29, 7 माइनस 5 3 6, ये आपका ए इनवर्स है। इसमें कोई डाउट? बोलिए बेटा, ए इनवर्स निकालने में कोई डाउट? जवाब दो ना। नो सर। आना कहाँ गई आना? सर मैं एडजेसेंट वाला फिर से बता रही हूँ।
से यदि टू इंटू टू का निकालेंगे तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके टू इंटू टू का तो डायरेक्ट लिख देंगे हम। अब देखिए इधर बी इक्वल टू ए इनवर्स लिख दिया 1/29 7 -5 3 2 और सी है 17 -1 47 -30। अब इसको सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके 1/29 119 -235 फिर -7 + 65 51 -94 और -3 -26 1/29 ये आ गया -118 ये हो गया 58 सॉरी 116 ये आ गया आपका माइनस कितना बचाइए बोलो ना 51 -94 करना ठीक कैसे गलत करना माइनस का 43 मैंने कुछ गलत लिख दिया था इसलिए देख लेंगे। 37 + 51 अच्छा +94 ना सोचिए क्या होगा 145 -20 डिवाइड कर दीजिए बोलो आ रहा था कि नहीं आ रहा था। सर मेरे ना इसमें वहां पे 145 के बजाय मैंने 104 लिख रखा है सर किससे करना चाहिए इससे कि उससे बेटर कौन सा है मतलब बेटा इनवर्स निकल रहा हो तो इससे ही करना चाहिए ये ज्यादा इजी पड़ेगा। अच्छा लेकिन उसकी कंडीशन आपको पता है ना हाँ कि टू सारे मैट्रिक्स स्क्वायर सबका मैट्रिक्स सेम होना होना चाहिए। चाहिए और सबका ऑर्डर सेम सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सबका अच्छा ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी यूज कर पाएंगे। यदि ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर नहीं कर पाएंगे फिर तो वही मेथड यूज करोगे। तो ये तो भाई आपका 7th वाला क्वेश्चन जिसको भी दिक्कत आ रही है। हाँ इतना तेरे को 10th वाले में क्या दिक्कत आ रही है। सर 10 का एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो मतलब आंसर नहीं आ रहा मुझे मेरा उसका। एबी निकालोगे बेटा पहले एबी निकालोगे आप तो ए आ गया आपका 2 -3 ये तेरा पेपर ले लेना यहाँ से वो रिवॉल्व होगा उसमें से 2 -3 5 1 और -1 3 4 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो -2 -12 -14 6 -5 + 4 -1 और 15 ये तो ए भी हो गया। अब यदि मुझे इसका एडजॉइंट ए भी निकालना है तो मैंने क्या बोला था डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज और इसको माइनस से मल्टीप्लाई ये हमारा एडजॉइंट ए भी है दिस इज एडजॉइंट ए भी। तो दिक्कत नो सर मैंने इसको एलिमेंट्स को चेंज कर दिया था 106 को भी इसमें मैंने भी किया था ही तो डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज और बाकी के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई और ए एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए निकाल लेंगे आप। तो 10th में कोई डाउट हुआ अब नो सर। सर 12th वाला हाँ वो मैं बता सर रहा हूँ 11th 1 to 10 सर में कोई डाउट है 8th का मेरा आंसर पता नहीं क्यों नेगेटिव आ रहा था। तो नेगेटिव तो आता ही है टोटल डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होता है आपको उसको पॉजिटिव लिखना है। अच्छा ऐसा होता है हाँ ठीक है ऐसा होता है मेरे को लगा मॉड्यूलस तो था ही नहीं तो फिर इसलिए ठीक है मॉड्यूलस सर। में लगा हुआ था आपने क्यों नहीं लगाया मॉड्यूलस कैसे नहीं है मॉड्यूलस में फॉर्मूला मैंने सर हटा दिया मेरे भी मतलब यही मैंने गलती गई थी। हाँ मॉड्यूलस में फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस a2 वेक्टर - a1 वेक्टर 2 c1 वेक्टर + b2 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर + b2 वेक्टर ये फॉर्मूला होता है छोटे डिस्टेंस। ओके सर मैंने ऊपर कटा दिया था गलती से सर।
टेन तक और कोई डाउट किसी को? नो सर. टेन तक तेरे को? नो सर. किसी को भी नहीं है टेन तक डाउट? सर एक आंसर गलत था पर मैं वापस ट्राई कर लूंगी. कौन सा? नाइन्थ वाला गलत आ रहा था. क्यों आ रहा था गलत? एक पॉइंट नहीं आ रहा था तेरा? सर मैंने ऐसे देखा नहीं, आपने मतलब जब चेक किया था ना तो आपने लिखा था कि गलत है. ये देख इधर, ये वैल्यू आ रही थी. अब तुमने क्या करा, लैम्डा हटा दिया. अब कि लैम्डा नहीं हटेगा यहाँ पर. लैम्डा की दो वैल्यू आ रही थी, एक तो जीरो और एक माइनस 30/70. मेरा है ना ये 25/17 आ रहा था. वो गलत है, आपने कई कैलकुलेशन मिस्टेक की. हाँ चेक कर लूंगी सर मैं. तो वो सर 11 तो बता देना मुझे सर. सर इसको उठाना मत बस. कहीं दौड़ गया आप क्या? कोई बात नहीं, वीडियो में देख लूंगी. 11 देखो. इमेज ऑफ द पॉइंट 2 माइनस 1 5. ये आपका पॉइंट है P, ये लाइन है इसका इमेज. आपको एक्स की वैल्यू निकालनी. -4 λ -2 +1 -4 λ -2 +1 -11 λ -8 -5 -13. देखिए ये आपका पी एल वेक्टर आ गया. नाउ पी एल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? लाइन एल के. पी एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन. तो देयरफॉर पी एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा. पी एल वेक्टर है आपका 10 λ +1 9 I k -4 λ -1 j k और -11 λ -13 k k. दो इसका है 10 I k -4 j k -11 k k = 0. अब इसको कर दिया 100 λ +90 +16 λ+4 +121 λ+143. तो यह आ गया 237 λ+233. तो लेमडा की वैल्यू माइनस, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस. अब लैम्डा इक्वल टू माइनस वन आ गया हमारा. यस सर. जैसे लैम्डा इक्वल टू माइनस वन आया हमारा, पॉइंट में रख दीजिए तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया आपका 123 आ रहा होगा. 123. अब इमेज x1 + 2/2 = 1. तो x1 का वैल्यू 0. भाई मिड पॉइंट है ना. अच्छा तो ये आ रहा है. तो x1 + 2/2 = 1. इसी तरह y1 - 1/2 = 2. तो y1 का वैल्यू 5 आ रहा है. फिर z1 + 5/2 = 3. तो z1 का वैल्यू 1 आ रहा है. तो हमारा फुट ऑफ द इमेज आ गया 0 5 1. यहाँ तक कोई दिक्कत? x-2/0-2 y+1/5+1 6 z-5/1+5 6 ये आपका 1 -5 sorry -4 ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ और
और लेंथ ऑफ पीसेस का। यस तो ये आपका 11th वाला था, क्या गलती हुई थी सर? ये जो मेरी वो है ना इसमें लेंथ निकालनी थी, उसमें ना मेरा अंडर रूट 4 आ रहा था, 14 सॉरी अंडर रूट 14 आ रहा था और आंसर में 2√14 है। रीजन है ना, आपने लेंथ ऑफ इमेज से निकाल लिया आपने पॉइंट, और इमेज से क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा फुट से निकाल लेते हैं। हां मैं फुट से निकाल रही हूं, गलत है। हां ठीक है सर, 12th। अरे बता रहा हूँ मैं बेटा, यार आना मेरे को भी पता है, तू बार बार क्यों बोल रही है, इतना जल्दबाजी क्यों करी? अभी 11 कंप्लीट हो गया है, मुझे भी पता है, मैंने तेरे 3 बार बोल दिया, मुझे पता है, मुझे तो कल से ही पता है कि तेरे को 12 बताना है, तो रुक तो जा, आने तो दे 12 का नंबर, कहीं भागी जा रही है तेरी है, कहीं क्लास है कि तेरी है, कितने बजे क्लास है लगती है तुम्हारी? सर अभी नहीं है, 1 बजे से आपकी ही है। फिर 1 से 2 मेरी है, फिर उसके बाद 2 से है, वो तो इंग्लिश की है, 3 से स्टार्ट होती है मेन, तो 3 से 4 इकोनॉमिक्स, 4 से 5 बिजनेस, 5 से 6 अकाउंट्स, रोजिना यही टाइम है। और सुबह भी होती है अकाउंट्स की 10 से 11। चलो भैया देखो इधर, ये आपका मैट्रिक्स से है, अब पहले इसका ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट देखो, ये देखो 4 -2 -1 बीच वाला वो नेगेटिव -2 -2 -3 +3 1 -3 ये आ गया -12 +10 और -6 -8, तो डिटरमिनेंट ये आ रहा है -8। अब आप सारे कोफैक्टर निकालोगे, 3 1 1 प्लस -3 3 1 2 -5 3 1 3 प्लस -3 यहाँ तक बता बेटा आना, इन तीनों कोफैक्टर यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? T21 बता, तू ही बताएगी, T21 प्लस की माइनस? बोल माइनस माइनस बोल क्या आएगा? बोलो -7 लगेगा बेटा। अरे नहीं आ रहा है, तू मना कर ले बेटा, बोल तो सही। -7 बोल तो रही हूँ सर। अरे यार क्या करूँ मैं तेरा, T22 बोल चल दोबारा, तेरे को दिक्कत है तेरे लिए बता रहा हूँ ना, बोल T22 प्लस कर और माइनस प्लस वन गलत हो गया ना यहाँ पर, यही तो गलती है तुम्हारी, कैसे प्लस वन आ रहा है तेरा, कोई नहीं बोलेगा और फिर कहाँ से सही आएगा आंसर, प्लस वन कैसा आ रहा है तेरा? अरे तो आगे प्लस वन बोला है तेने आंसर। नहीं मैंने बोला रुको एक मिनट। हाँ ठीक है आगे बोल। -17 आ रहा है। ठीक है -17 फिर T23 बोल। -2 T23 -6 -2 +2 हो गया। यस सर। T31 प्लस भूमिका बोल, T31 क्या आएगा? हाँ तो बोलना क्या है डायरेक्ट, -1 T32 माइनस बोलिए 4 -3 -1 और T33 प्लस 4 -2 क्या आपका सारे कोफैक्टर निकल गए। सबसे पहले एडजॉइंट है निकालेंगे, एडजॉइंट है जितने भी कोफैक्टर है उनको लिख के उनका ट्रांसफर, तो सारे कोफैक्टर लिख दिए मैंने, -3 5 -2 7 -17 -2 और -1 -1 2 का ट्रांसफर, आ गया -3 5 -2 7 -17 2, ये हमारा एडजेंट है आ गया।
तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो वन अपॉन माइनस ए डिटरमिनेंट ए, और माइनस थ्री सेवन माइनस वन फाइव माइनस सेवनटीन माइनस वन, ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। अब इसके बाद क्या दिक्कत आ रही है बताओ, जाएगा ना। अब आपकी इक्वेशन ए के फॉर्म में है तो फिर आप क्या बोलोगे, इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी, इक्वेशन आर ऑफ फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी, ए है आपका ओ टू थ्री वन 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 थ्री वन माइनस टू, कैपिटल एक्स हो गया एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी हो गया आपका 215। तो ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया, तो एक्स हो गया एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हो गया आपका वन अपॉन माइनस एट माइनस थ्री सेवन माइनस वन फाइव माइनस सेवनटीन माइनस वन। बताने की जरूरत है कि अब आगे पढ़ना है, बता दो सर। करो मल्टीप्लाई फिर तुम बता, फिर बोल मल्टीप्लाई करके बता, इसको इसको बता रहा जल्दी बोल, फोर 4 + 7 कहाँ से दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा फोर, सिक्स है। मुझे तो फोर कहीं दिख ही नहीं रहा, ये तो माइनस थ्री है और ये टू है, तो फोर कहाँ से आ गया? उसको 2 पढ़ी। माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स -6 + 7 सेवन -8 माइनस फाइव। अगला बोलो, 10 -17 -5 अगला बोलो, -4 माइनस फोर प्लस प्लस टू टू प्लस प्लस सिक्स, 10 ये आ गया वन अपॉन माइनस एट माइनस फोर, ये आ गया -12 और ये आ गया एट। करो भाई, 1/2 आ गया एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 3/2, और जेड का वैल्यू माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू, ये हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। क्लियर सर, है? हाँ यस। बोलो। हाँ यहाँ पे डिटरमिनेंट ही -8 थोड़ी ना आएगा, 8 आएगा ना। बेटा, यही तो चक्कर है, किसने बोला डिटरमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है? इतना मैंने कब बोला डिटरमिनेंट पॉजिटिव होता है? क्यों डिटरमिनेंट को आप बार बार पॉजिटिव लिख रहे हो? मैंने लिखा भी था तुमको जब लिख के दिया था कि डिटरमिनेंट पॉजिटिव नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट पॉजिटिव होता है। आप क्यों डिटरमिनेंट को पॉजिटिव कर रहे हो? मॉडुलस, वो मॉडुलस थोड़ी है बेटा, वो तो लिखने उसका सिंबल है डिटरमिनेंट का, तो वो तो जो है वो आएगा, आप उसको डिटरमिनेंट मॉडुलस क्यों मान रहे हो? अरे समझ में आया? यस सर। फिर चलिए और। सर, हाँ वेक्टर में आपने एक जगह कहा था कि एन कैप से मतलब ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मतलब कैप था। आपने कुछ कहा था कि उसमें है ना कैप को किसी पर्टिकुलर केस में यूज करते हैं, मतलब मुझे मैंने ऐसे थ्री डी पॉइंट। ज्योमेट्री की बात कर रही है क्या? थ्री हाँ सर। डी ज्योमेट्री में आर वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू डी है, हाँ तो ये ये डी होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, हाँ अच्छा, बस यही पूछना था। और सर ये एक क्वेश्चन है बोला मैट्रिक्स का, इसमें बताना मतलब पूरा क्वेश्चन, बस इतना बता दो कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब था। दो हैं ऐसे कि एक्स ए इक्वल्स टू बी के फॉर्म में कुछ है ये, तो उसका जो फर्स्ट का ऑर्डर है वो 3 × 2 है एक्स का, और ए दिया नहीं है कुछ भी, और बी भी 3 × 2 के फॉर्म में। तो ये जो ए का आएगा ना ऑर्डर, रुक जा, ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या सर? ये टू लिखा हुआ है ना, एक्स का हाँ ऑर्डर में टू। लास्ट में नंबर ऑफ, तो हाँ इसका सर। नंबर ऑफ रो टू होगा ए का, अच्छा ठीक और है इसमें सर, लास्ट में, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है तो इसमें लास्ट में टू है, तो इसका लास्ट में टू इसका आ भी गया, टू। हाँ बस तो यही टू इंटू पूछना। टू का ऑर्डर आ गया। ठीक है सर। सर अब नेक्स्ट और टेस्ट के पूछें या फिर टेस्ट चेक करने के बाद? क्या
क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्स्ट्रा उसमें अपन मैं तो भाई डाउट तो डाउट है, 1 मिनट से पहले ये पूछी। हाँ बोल, इलेवंथ सर, एक डिफरेंशिएशन का है। वाला से लेट क्यों आई? अच्छा डीपीपी का है क्या? डिफरेंशियल 1 मिनट ले बेटा, एक डाउट पूछिए फिर तुम पूछ लेना, मुझे लगा कि है ना पेपर का पूछा। तुम भी देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। y माइनस एक्स कोस वाई बाय एक्स ठीक है ना बेटा, डी एक्स डी वाई प्लस y कोस वाई बाय एक्स माइनस 2x साइन वाई बाय एक्स इक्वल टू जी डी एक्स। इसका मैं सॉल्यूशन निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए क्योंकि वाई बाई एक्स आ रहा है, सिंगल वाई बाई एक्स आ रहा है, इसलिए मैं डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये उधर जाके माइनस में जाएगा, ये हमारा डी वाई डी एक्स आ गया, इसलिए देखना इसमें वाई और एक्स मल्टीप्लाई तो नहीं है। अब देखो दस, क्योंकि यहाँ वाई बाय एक्स आ रहा है इसलिए हम वाई बाय एक्स को भी मानेंगे। वैसे तो होमोजीनियस है ये, होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री वन, इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री वन, इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री वन और इसकी भी वन, सबकी डिग्री वन आ रही है इसलिए होमोजीनियस। तो पुट वाई बाय एक्स इक्वल टू वी, तो वाई इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो भाई, डी वाई बाई वी की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया टू, इसको पहले लिख रहा हूँ टू एक्स साइन वी माइनस वी एक्स को वी एक्स कोस वी अपॉन वी एक्स माइनस एक्स कोस वी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू साइन वी माइनस वी कोस वी अपॉन वी माइनस कोस वी, और ये वी इधर आ जाएगा माइनस वी, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू साइन वी माइनस वी कोस वी माइनस वी स्क्वायर प्लस वी कोस वी अपॉन वी माइनस कोस वी, वी कोस वी से वी कोस वी क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारा आ गया v माइनस कोस वी अपॉन टू साइन वी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स बाई एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ध्यान से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप, एल एच एस टी मान लीजिए इसको, इसका डब्ल्यू ये आएगा बस टू कॉमन लेते हैं, लेट टू साइन वी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टू कोस वी माइनस टू वी डी वी इक्वल टू डी टी, माइनस टू कॉमन ले लीजिए तो वी माइनस कोस वी डी वी इक्वल टू डी टी, ये आ गया माइनस डी टी बाई टू, इधर लिख देता हूँ ये आ गया माइनस डी टी बाई टू इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, मतलब तो ही जाएगा आपका टू टी सॉरी माइनस डी टी बाई टू टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये आपका इसका आंसर है। अगला आप बोलिए बेटा, कौन बोल रहे थे जैसे इस टेस्ट के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सर। सेवेंथ वाला इस टेस्ट का सर, ये आपने जो यस यहाँ लिखा है वो डीवी बाय एक्स लिखा है ना? डीवी बाय एक्स के लिखूंगा, कहाँ पर डीवी बाय एक्स कहाँ पर? ये तो लास्ट फोर्थ, इधर लास्ट फोर्थ ये यस सर, ये वाला यही पूछ रही हूँ। डी एक्स बाई एक्स तो डी बाई एक्स क्यों आएगा?
भाई डीएस किधर गया और एक्स नीचे आया ना, नीचे वाला डीएस किधर गया और एक्स नीचे आया। हाँ सर, हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 7 इस टेस्ट का। यस यस सर, तो ये तो क्लास में भी करवाया था अभी, डिफरेंशिएशन की जो प्रैक्टिस करवाई थी, क्या दिक्कत आई इसकी? हैं ये मुझे भी पूछना सर, है सर। लास्ट पॉइंट पे जाके मेरे को समझ नहीं आया क्या वो log अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan x अपॉन y। बेटा इस बार से आया था ये बोर्ड में चाहिए। हाँ इसको प्रूफ करना, पता नहीं आया नहीं इसका आंसर। log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हाफ हो गया ये tan इनवर्स x अपॉन y, 1/2 आगे हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, 1/2 log का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x प्लस 2y डिवाइड डी है tan इनवर्स x अपॉन y। अब tan इनवर्स x अपॉन y है तो इसका tan इनवर्स का पहले तो हो गया 1 अपॉन अंडर रूट अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई एज इट इज माइनस एक्स डी बाय डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये आ गया 2 कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई डी बाय डी एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे तो वाई स्क्वायर ऊपर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी बाय डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गए। तो x प्लस y डिवाइड बाय dx इक्वल टू y माइनस x डिवाइड बाय dx, y डिवाइड बाय dx प्लस x डिवाइड बाय dx इक्वल टू y माइनस x। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें कहाँ दिक्कत आई ये बताओ मुझे। तो सर मैंने तो ना वहाँ पे y डिवाइड y dx बाय dy कर दिया और इधर x कर दिया। y डिवाइड बाय dx मतलब क्या कर दिया सर? मैंने ना वो वाई को ही 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब वाई भी लिख दिया और डी वाई बाई डी एक्स भी लिख दिया, फिर इधर एक्स भी लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने डायरेक्टली कर लिया था अंडर रूट का, वो 1/2 लिख दिया। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का 1/2 लिखा है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे भी यही आएगा सर। लास्ट में बहुत अजीब सा आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। अरे यदि आप लॉग का करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रूट का करोगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट अंडर रूट, और फिर वापस तो यही आएगा तो लास्ट में। सर एक बार उससे भी कर देते हैं, तो कोई ना कोई गलती की आपने। अच्छा चलिए 7 के बाद सर एक बार 12 भी बता दीजिए इसका। करेक्शन कर लिया था ना जो बताया था 12th वाले का? हाँ वो आंसर कुछ अलग था, मतलब माइनस वाई आएगा लास्ट में। हाँ करेक्शन बताया था ना तुम्हें। देखो होता क्या है, कभी भी डबल डिफ्यूजन वाली प्रॉब्लम आ जाए तो पहले से ही पहली स्टेप से ही आपको उसको बहुत आराम से करना है। जैसे अपॉन में आ रहा है तो पहले अपॉन वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, रूट आ रहा है तो अभी पहले ही स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर लीजिए। अब डिफरेंशिएट करो y स्क्वायर का 2y डिवाइडेड बाय dx 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर माइनस 2x 2 sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमारा वापस से y आ गया। तो 2y 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2y। ध्यान से देखिए 2y सब में से कॉमन आ रहा है, तो लास्ट स्टेप ये बची 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। बस इसको डिफरेंशिएट करना है, इससे इजी, इस मेथड से इजी कोई भी मेथड नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। सारे डबल डिफरेंशियल वाली प्रॉब्लम में यही काम करना है। और इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ स्टेटमेंट के लिए माइनस टू एक्स डिवाइड बाय डी ए
माइनस वाई माइनस एक्स भी जाके देखता हूँ, बोल नहीं सर आ गया, याद वो मैं सोच रही थी कि लास्ट स्टेप कहाँ गया। बोलिए कृष्णा बोल। यस सर आ गया। चलिए नेक्स्ट, चल एक बार लास्ट फिफ्थ पेपर। वाले फिफ्थ का आंसर बता दो। ठीक वाले का आंसर वाई इक्वल टू एक्स, कल भी तो बताया फिर बाकी चेक होने के बाद ही पता चलेगा वो तो फिर। था, लोग वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लोग ले लिया तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। आ गया लोग वाई का डिवीजन 1/y डिवाइड डी एक्स, ई की पावर का ई की पावर और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस डी एक्स, ई की पावर एज इट इज लोग वाई कॉमन आ गया और ई की पावर माइनस वाई तो इधर आ गया और ई की पावर एन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बस ये आंसर है। और वाई की जगह वही लिख देना जो लिखा हुआ है। क्लियर क्लियर। चलिए सर और बोलो और चेक बोलो पर्सन बोलो। में वो तो क्या आंसर कुछ गलत है। हाँ मैं तो बस ये नहीं, तुम्हें जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं वो पूछ हाँ सकते सर हो। जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे वो तो पूछ लिया। 7th और इसलिए इस टेस्ट में बोलना कल के पेपर में अभी बात में देखते। चलिए नहीं और कोई डाउट किसी को भी कोई भी नो बोलो सर भाई। चलिए प्लीज नो सर।